दोस्तों ट्रू टेक रिपोर्टर में विराज आपका अपना रिपोर्टर आपका स्वागत करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन बाइंग योर न्यू आईफोन। और जब आपने आईफोन खरीदा होगा और उसके बाद अपना डेटा रिस्टोर किया होगा तो आपको एक अक्सर प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है कि पुरानी जितनी की जितनी सेटिंग्स होती है वो एज इट इज रेप्लीकेट हो जाती है और आपका न्यू फोन का एक्सपीरियंस ही एकदम खराब हो जाता है। ये स्पेसिफिकली मुझसे काफी लोगों ने सवाल पूछा जब उन्होंने आईफोन 14 खरीदा। तो आईफोन 14 में एक बहुत ही नया फीचर है विच इज लाइव वॉलपेपर या ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, और वो डिस्प्ले चला जाता है जैसे ही आप अपने पुराने फोन का डेटा बैकअप करके इस फोन के ऊपर डालते हैं। तो आप कैसे आईफोन 14 के ओरिजिनल थीम या वॉलपेपर को एंजॉय कर सकते हैं, चलिए इस ट्यूटोरियल में आपको मैं बताऊंगा। इस एपिसोड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पहला वॉलपेपर कैसे चेंज करें और दूसरा आप अपना थीम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं। बताता हूँ सबसे पहले आप अपना वॉलपेपर कैसे बदलेंगे। ये देखिए, ये है मेरा आईफोन 14 प्रो मैक्स, ये 512 GB का है। तो इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले आप इसकी सेटिंग्स में जाइए यहाँ पर, और सेटिंग्स में जाने के बाद जब आप नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा वॉलपेपर। आप वॉलपेपर में जाइए और जो भी आपको वॉलपेपर चूज करना है कस्टमाइज में जाके आप उस वॉलपेपर को चूज कर सकते हैं। अब हम अपना थीम चेंज करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने मेन स्क्रीन पर जाना है और आपको एक सेकंड के लिए इसे प्रेस करना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे उसके बाद आप इस कर्सर को मूव करिए और आपको अपना ओरिजिनल वॉलपेपर मिल जाएगा या थीम मिल जाएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको कस्टमाइज की भी ऑप्शन देगा। आपको जाके एक सेकंड के लिए प्रेस करना है और फिर जाना है कस्टमाइज पे। तो जब आप कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको अलग अलग चार ऑप्शंस मिलेंगे। आप चाहें तो इसके डेट फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं जिस भी तरीके से चाहें आप इस वाले कर्सर को। यदि आप इस पर क्लिक करेंगे विच इज द डेट, डेट के अलग अलग टाइप आ जाएंगे। आप जैसे ही किसी एक पर्टिकुलर टाइप को चूज करेंगे, ये देखिए यहाँ पे चेंज हो गया। मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद है तो मैं सिंपल प्लेन रखूंगा। इनफैक्ट आप चाहें तो बिल्कुल स्लीक वन भी रख सकते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो अगेन जब आप दोबारा जाके इस पार्ट पे क्लिक करेंगे तो आप ये देखिए इनमें से किसी भी विजेट को चूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने वेदर डाला है तो आप चाहें तो ये वेदर के विजेट को भी चेंज कर सकते हैं। ये सब करने के बाद आप डन पे जाइए। फिर उसके बाद ये पूछेगा कस्टमाइज होम स्क्रीन, आपको नीचे जाना है और क्लिक करना है कस्टमाइज होम स्क्रीन पे। और जब आप दोबारा आएंगे तो यहाँ पे ये देखिए यदि आप अपना ओरिजिनल सेटिंग्स चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करिए, फिर दोबारा से आपको ये वॉलपेपर दिखाएगा। आप यदि चाहते हैं प्लेन सिंपल तो वो आप ये, अदरवाइज मैं दोबारा से इसी वॉलपेपर का ही अंदर थीम लगाना चाहता हूं तो मैं उसके बाद दोबारा इस पे फिर क्लिक करूंगा और कुछ इस तरीके से वो अंदर और बाहर दोनों तरफ रिस्टोर हो गया है। तो ये देखिए अब मेरा ओरिजिनल स्क्रीन है और जब मैं इनसाइड जाता हूं तो ये देखिए इनसाइड भी यही स्क्रीन है। दोस्तों हम कुछ इसी तरह के ऑसम आईफोन टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आने वाले हैं जो आम जिंदगी में लोगों को नहीं पता होती। तो यदि आप एक आईफोन एक्सपर्ट बनना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स यूसेज तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि कुछ ऐसी ट्रिक्स होंगी जो बहुत ही ऑसम है, आपने कभी नहीं सुनी होगी, कभी नहीं देखी होंगी, वो मैं इस चैनल पे लेके आने वाला हूं। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे साथ जुड़े रहिए। टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी टेक केयर। ट्रू टेक रिपोर्टर में आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।